उन ननु पूछो कितनी मेहनत करे है आगे फिर कह देवी को मतलब आज कहीं वो भी बेरोजगार हरियाणा में वो भी बेरोजगार है। पहले तो आधे पदक लाओ और नौकरी पाओ इब तो गए पदक लाओ पद बढ़ाओ बिल्कुल नौकरी भी ना दें दे सर अपन का पदक बढ़ा देंगे पर नौकरी देगा जब पदक बढ़ेगा इब वो आगे किस पढ़ेंगे सर वो अपने स्पोर्ट्स पर फोकस करेंगे फिर वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। अरे एक बालक ना टैलेंट नहीं होगा था सर अरे एक में कुछ ना कुछ गुण होया करे या तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट पाओगे या स्पोर्ट्स और तो वो दोनों तरह किस तरह उसका है ये वही बात स्पोर्ट्स कोटा भी खत्म कर दिया पढ़ाई वाले के नॉलेज जो चार गुना बस उन्हें बुलावांगे और तो मतलब कहीं ना कहीं भाई टोटल कहने की बात यह है बालक जो है पढ़ा है वे भी बेरोजगार है जो है नहीं पढ़ते हो तो बेरोजगार है जमा बेरोजगार कर दिया अगर कई इतनी पढ़ा लिखा है इतने मेहनत लगा खुआ पिया कम थी मेडल लिया हमें मैं भी खुद बेरोजगार है खुद हूँ बेरोजगार बना दिया सर और मामा ये चार गुना मामू बेरोजगार बना दिए हरियाणा में बालक दो डेढ़ के होकर चाहे तो पढ़ाई में होशियार पाओगा किताबी कीड़ा बोलिया जा रहा हो और जो साथ सही पाओगा नहीं शरीर में वो पाओगा पढ़ने में थोड़ा हुसा लेकिन जो से पढ़े हैं वह भी बेरोजगार और जो से नहीं पढ़ते हैं भी बेरोजगार और भी हमारे साथ ये बहने मौजूद इनसे पूछेंगे एक बार दिखा भाई तो ये अच्छा तो ये और भी हमारे साथ बहने जुड़े हैं तो राम राम भाई राम राम कहाँ से हो जी मैं चिड़ी से हूँ डिस्ट्रिक्ट रोहतक। अच्छा तो कैसे पहुंचे आप क्या कुछ कहना चाहोगे भैया मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी दो ही मांगे हैं एक तो ये खिलाड़ियों के प्रति है जो इन्होंने ये बोला था कि जैसे अच्छे अच्छे हरियाणा की तरफ से तो खेल के क्षेत्र में तो काफी योगदान है हमारा हरियाणा वासियों का क्योंकि इससे तो हमारे इंडिया का भी नाम ऊंचा लोगों ने क्या किया कि पहले तो ये जो खिलाड़ी आते थे उनको अच्छी जॉब का अच्छा रैंक देते थे लेकिन क्या वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और दूसरी मांग ये है भाई कि जैसे सीटी को जो इन्होंने गवर्नमेंट ने रखा था कि जो जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स से ऊपर और ओबीसी और जो आरक्षित थी उसमें 40% इन्होंने अपने ही वायदे पे इन्होंने क्वालिफाई कर दिया लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि चार गुना बुलाएंगे लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है तो हर बच्चे को जो जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी ये मार्क्स लिए हैं आगे उसको उत्साह प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे और मेहनत करेगा इसलिए सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। और एक भैया हम ये कहना चाहते हैं जैसे एनटीए ने पेपर क्या है कि दो दिन पहले पेपर पैटर्न बताया था दो दिन पहले बताया था तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर है ना एक महीना पहले भी ना अगर ये दो या तीन चार महीने पहले भी ना बताए ना कम से कम एक महीना पहले तो बता दे ताकि बच्चा रिवीजन तो कर सके रिवीजन का तो मौका वो भी कन्फर्म नहीं था कि वो एनटीए का ही भेजा हुआ है वो भी मतलब फेक बता रहे थे वो भी ना हम ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे थे क्या सच है क्या झूठ है तो हम है ना जैसे जैसे हम किसी की मान के चल हमने तैयारी की लेकिन दो दिन आगे हम ये चाहेंगे एनटीए द्वारा कम से कम एक महीने पहले तो पेपर पैटर्न देना चाहिए ताकि उसमें नॉर्मलाइज नहीं किया उन्होंने और बिल्कुल सेम था उसमें सीटर भी बैठे क्यों सारे क्वेश्चन रिपीट थे दो किस गए तीन किस गए चार था बिल्कुल था इन्होंने कलर के निकाले भाई उसमें सीटर थे वो थे क्या निकाले सर क्या फायदा हुआ जो निकाले थे ना उनको ज्वाइनिंग दे रखी आज के दिन जो नए तो नहीं ऐड हुए ना सर एक दो ऐड होगा बंदा कम से कम 10 बंदे ऐड होंगे बाकी तो सर जिनको मतलब जिनको केस चल रहा है अब के दिन वो आज के दिन जो नौकरी करे अपने उनको फायदा क्या होगा ये मतलब ऊंडों घोसले करने से मतलब है ना दो तीन महीने में हम कलर निकाल दिए और भाई हमने तो वही बिल्कुल साफ पत्ती करी है वापिस और वही ले लिए सर फायदा क्या हुआ अरे ग्रुप डी का देखो वोट के टाइम निकाली थी और अभी देख लियो इलेक्शन के टाइम निकालेंगे इलेक्शन से पहले कोई वैकेंसी नहीं इनकी और उसके टाइम सेम पैटर्न था किसी ने नॉर्मलाइज नहीं करा सर सीधे लिस्ट लगा दी और हमारे ग्रुप सी का पेपर लिया उन्होंने अब बोल रहे भी छह वाले को सिर्फ को नॉर्मलाइज करेंगे सात वाले को करेंगे पांच वाले को करेंगे सर हमारा क्या खोट हमारा पेपर आसान आ गया तो वो तो पेपर बनाने पूछो नहीं सारा इक्वल बना हुआ है इब कह दे भी उसका आसान आ गया उनका नॉर्मलाइज करेंगे हम तो मुश्किल आएगा अरे मुश्किल आएगा तो तुमने बनाया है सबका इक्वल बना दो सबका इक्वल बढ़ा दो नॉर्मलाइज की तो दिखते नहीं है नॉर्मलाइज में सर नंबर बढ़ जाए हम ना किसी पर केस कर सकते भाई किसका नंबर बढ़ा है किसका नहीं बढ़ा है इब आसान वाले आ गए पेपर वो तो राजी हो जाए मेरा तो 60% आ गए नंबर 70 आ गए आई पाचा फिर उसके वही नंबर कम और नॉर्मलाइज वाले बच्चे आए फिर बढ़ जाएंगे सबको इक्वल कर दो ना सर पेपर इक्वल बना दो नॉर्मलाइज का पंडा है छोड़ दो भाई बात है एक बारी पेपर इक्वल बना दिया उसके बाद भी ठीक है जिसका नंबर जितने आए अपने उसके हिसाब से ले लो और चार गुणा में सर वही बात सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारे बाल ग्राज छोड़कर चले जाओगे पीजीएन छोड़कर लाइब्रेरी सारी खाली जिसका धंधा है लाइब्रेरी खोल रही है वो बैठे रहेंगे खाली कोचिंग सेंटर पे ऊँचे ले जाएंगे खाली जो इंटेलिजेंट है सर वो तो सेल्फ स्टडी करेगा अगर तो चार गुणा में तो
भाई सच का 70-80 नंबर आ रहे हो तो खुद ही तैयारी कराओ, वो सेंटर पर है और मारे पर गई शायद आगे सर ये 60 और 70 वाले 20 के बालक हम तो भी वही बात नहीं, वहाँ भी SC ET क्वालिफाई करो। तो भाई ये देख सकते हैं आप एक बार दिखा दे भाई, तो इनकी एक ही डिमांड है भाई CET क्वालिफाई होना चाहिए और ये अच्छा एक बार उठना भाई। तो हमारे साथ जो खिलाड़ी कोटा से भी हमारे साथ जंगमती सागवान जी मौजूद हैं, तो नमस्कार मैम। नमस्कार, एक बार अपना परिचय आप अपने शब्दों में। खिलाड़ी पहली महिला खिलाड़ी हूँ और आज जो ये 3% जो विकलांग खिलाड़ियों का जो कोटा है डिपार्टमेंट किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब विकलांग थोड़ा है सब, मतलब कि खेल कोटा है जो पूरी तरह से सी ग्रेडेशन के सभी खिलाड़ी उनका कोटा खत्म हुआ है जिस पर बोल सी ग्रेडेशन के सी ग्रेड ए बी वालों का भी खत्म है, ए बी का भी साथ खत्म है, तीन ए बी की भी बोल दो कर दिया और सी डी में छोड़ दिया सर, डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया, संकुचित कर दिया जी। और एक और है खेल शिक्षा में लगा नहीं वो मंत्री है मुख्यमंत्री खेल मंत्री और पंकज नयन वो डायरेक्टर सभी की वीडियो है ट्वीट है कि हम पुराने ढंग से जो है वो करेंगे लेकिन वो फिर भी लागू नहीं करेंगे। तो मैम एक बार दोबारा बताएंगे भाई मैम, एक बार मैम अभी आप बता दोगी ना तो बताओ अभी क्या कुछ आपकी डिमांड है, क्या मांग है और क्या गलत है क्या सही होना चाहिए। देखिए जो खिलाड़ी हैं हरियाणा को खेलों का हब कहा जाता है और हमें गर्व है इस बात के ऊपर कि हमारे जो लड़के लड़कियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी खेल होते हैं वो मेडल लेके आते हैं, लेकिन जब उनको इंसेंटिव देने की बात है प्रोत्साहन देने की जो बात है उसमें ABC जो मतलब जहाँ पे थोड़ी सी बेहतर वो है नौकरियां वहां से करके और डीप ग्रुप तक मतलब सीमित कर देना और वो भी 3 departments तक सीमित कर देना और इसका विरोध करने के लिए जो भी कदम है और हम उनका भरपूर समर्थन करते हैं और हम जो भीमावाड़ी खिलाड़ी हैं हमारे अपने ग्रुप्स हैं हम भी उनको सबको मोबिलाइज करेंगे अपने आने वाले खिलाड़ियों के हक में और सरकार का ये जो नकारात्मक कदम है इसको वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा अगर वो मतलब नौजवानों के साथ और खास तौर पे दोज हु आर ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द नेचर इफ दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग दोज पीपल हैंडीकैप्ड कोटा के जो हैं इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। आई हैव बीन टीचिंग देम, आई हैव बीन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हियर और हमने देखा है कि उनको कितनी मुश्किलें आती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी यहाँ पे खेल हुए थे राजीव गांधी स्टेडियम में, हमने उसमें अखबार में पढ़ा कि 500-500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, बिल्कुल मैम। तो हमें लगा कि भाई ये तो बहुत नाजायज़ है, उनको तो दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ लेने के। तो हम वहाँ स्टेडियम में गए, हमने जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे पूछा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, तो वो बेचारों ने बताया कि जी हम तो आपस में इकट्ठा करके ही खेल करवा रहे हैं। अच्छा, वो खुद सरकारी वो गेम नहीं था, मतलब। सरकार की तरफ से उद्घाटन करने तो आए मिस्टर मक्कड़ कमिश्नर जो थे, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि भाई वहाँ पे ग्रांट भी दी जानी चाहिए जो विकलांग खिलाड़ियों के खेलों को आगे लेके आ रहे हैं उन एसोसिएशंस को उन इंडिविजुअल्स को वो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो फिर हमने वो जो उनके सेक्रेटरी थे हमने उनको कहा कि भाई हमें तो लगा कि आप लोग नाजायज ले रहे हैं और हम तो अब आपके साथ हैं बिल्कुल और हम सारे इकट्ठे होके इसको पूरे हरियाणा के अंदर मुद्दा बनाएं जो अपने कदम हटाने के लिए मजबूर। तो मैम आज कुछ आपका कदम रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्य आह्वान किया गया है वो के स्टूडेंट रहे उनके द्वारा किया जाएगा BJP के ऑफिस के सामने। अच्छा। और भी दूसरे संगठन आए हैं, हमारे भी ये साथी आए हैं अलग अलग जगहों से, तो इकट्ठा अभी एक बार बातचीत करके फिर तय किया जाएगा। तो भाई अभी यहाँ पर अभी सभी इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ जो विकलांग ये
अधिकार मंच से हैं तो राम राम सर। राम राम जी। आपका नाम जी? दिनेश जी। दिनेश जी, तो आप कैसे पहुंचे जी आपके, और क्या कुछ आपकी डिमांड है, क्या मांग है, क्या गलत है, एक बार बताओ सर। मैंने बोलना नहीं बोलना था तो आप बोल। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अपना नाम जी? मैं प्रदीप पोटलिया, फतेहबाद से हूँ जी। अच्छा जी। और खेल जगत से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी खेलते हैं और मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं सारे यहाँ, एक बहुत ही बड़ी कुठाराघात हुआ है खिलाड़ियों के साथ। अच्छा। कि 453 विभाग है हमारे पास। बिल्कुल सर। और 453 में से खेल कोटे को सिर्फ 3 विभागों के अंदर सीमित कर दिया है। अच्छा। उसके अंदर जो अभी बहन जी ने बात रखी थी जो हैंडीकेप है। हाँ। तो वो तो उनमें से एक में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पुलिस महकमा वो तो फिजिकली फिट मांगता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो उनके लिए तो वो भी बाहर हो गया। तो सरकार ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत खिलाड़ियों को खत्म करने का काम किया है। और खिलाड़ी देश की शान है। आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर जितने मेडल आए हैं आज तक भारत की तरफ से, उसमें हरियाणा ने ही मेडल दिए हैं। बिल्कुल सर, हरियाणा का मतलब सबसे ऊपरी रहा नाम। और अभी पीछे भी नीरज चोपड़ा वो मेडल लेके आए। एक मेडल मिला आपको दुनिया के अंदर, लेकिन उसमें भी सिर्फ वो दिया किसने? हरियाणा ने। बिल्कुल सर। आज तक जितने मेडल दिए सब हरियाणा ने दिए हैं। और हरियाणा का ये खट्टर सरकार जो है, मनोहर लाल जी, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि हरियाणा का नाम विश्व के पटल पर चमकाने का सबसे बड़ा काम अगर किया है तो वो खिलाड़ियों ने किया है। और एक खिलाड़ी जब स्टार्टिंग से खेल के अंदर आता है और वो खेलता है, वो ये सोचता है कि मुझे आगे जा करके रोजी रोटी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो रोजी रोटी अब सरकार खत्म कर रही है, तो खिलाड़ी खेलेगा क्यों? अभिभावक उसको खेल में डालेगा क्यों? और वो आगे अगर युवा अवस्था के अंदर पथ भ्रष्ट होने का भी डर रहता है, क्योंकि एक साइड होती है युवा के लिए खेल की तरफ चले जाना और एक तरफ होता है कि पथ भ्रष्ट हो जाना। अगर खिलाड़ी खेल की तरफ नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार का ये भी दायित्व है कि युवाओं को बचा के रखे उनका। तो खिलाड़ी के ऊपर ये जो सरकार ने चोट मारी है ये बहुत ही गलत है। और दूसरी बात, खिलाड़ी जो है खेल पर इतना ध्यान देता है, उसने दिन रात मेहनत करके वो मेडल की तरफ जाता है। दूसरी, इन्होंने एजुकेशन दे दिया, उसके अंदर ऐसी ऐसी जो है जैसे MA, BEd और JBT ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद HTET होना चाहिए। तो ये चीज़ें खिलाड़ी जब खेल पर ध्यान देता है तो सबको पता है कि उसका एजुकेशन से ध्यान हटता है। या तो वो खेल पर ध्यान दे या वो एजुकेशन पे। तो एजुकेशन में तो वो वैसे ही पुअर है। तो इसका मतलब सरकार ने क्या किया है, उसको साइड में हटा दिया है। तो 450 में से 453 टोटल विभाग है। हाँ। 3 विभाग इन्होंने दिए। हाँ। 450 विभाग एकदम से अलग कर दिए खिलाड़ियों से। ये तो बहुत गलत किया है। तो ये मांग है, और ये हमारे खेल मंत्री जी वो खुद एक खिलाड़ी हैं। हाँ। और फिर भी खिलाड़ियों के छाती में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और BJP सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन युवाओं को ऐसे सड़कों पर मत भटकाओ, इनको खेलने के लिए ग्राउंड और जो है आप इनके लिए रोजी रोटी का प्रबंध करो। ये नहीं है कि आप इनकी रोजी रोटी छीन लो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये खेल खिलाड़ी हैं, ये देश का मान है, गौरव है हमारे प्रदेश का। तो ये सड़कों पर धक्के खाने के लिए नहीं है। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको 3% जो हमारा कोटा है ये 453 विभागों के अंदर लागू करे। और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो सभी खिलाड़ी सड़कों पर उतर जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। तो भाई ये सर हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात रखी। भाई जो खेल कोटा है, जो 450 विभाग थे उसमें सरकार ने भाई ओनली 3 विभाग छोड़े हैं। तो इन्होंने जैसे बताया कि जो मतलब पहले जैसे होता था वैसे होना चाहिए। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।